ये व्हाइट फुल बेहतरीन सिंगाड़ा, सिंगाड़ा ये तीन मछलियाँ जो मैंने अभी, ये है अंबर जैक, अंबर जैक ये अंबर जैक है, ये है सुरमई, ये कांटे की मछली है बेहतरीन पूरा वर्ल्ड में, ये काला खून है माशाल्लाह बेहतरीन, इसकी आंखों की चमक सही, ये रामस है एक नंबर इंडियन सैलमन के नाम से बिकली, हाँ भैया भैया की क्या पता, ये कांटे की मछली है, ये हीरा है, ये जायके में किस, हाँ ये भी बहुत अच्छी होती है, कांटे व्हाइट पापलेट एक किलो में छह दाने चाहते हैं, अभी इसके मीठे पानी का रोहू है हमारे पास, रोहू हाँ ये हीरे के नाम से बिकता है, इसका नाम है असल नाम है इसका दुल्हन, ये मुल्ला है, ये निकल, ये पोजे गिस्सर है एक नंबर गिस्सर, इसमें भी तीन चार कुकड़ भी माशाल्लाह सालन के हिसाब से बहुत अच्छी है, गिस्सर और कुकड़ काले पापलेट, ये भी बड़ा जायके में बड़ा, ये भी इसका सालन बहुत झींगा है, ये कम से कम एक किलो में नहीं भी हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है कि आप सब खैरियत से, मेरा नाम है शुजा और मेरा नाम है शुएब, और दोस्तों हमारे चैनल का नाम है कराची भी शुजा शुएब के नाम से चैनल है, आज हम लोग आए मूसा कॉलोनी फिश मार्केट पे, तो बाकी डिटेल जो है ना आपको शुएब बताएगा। भाई व्यूअर्स, अगर आपको ताज़ा मछली लेनी है, फ्रेश मछली लेनी है, अच्छी मछली लेनी है, तो आप यहाँ पर आकर ज़रूर विज़िट करें मूसा कॉलोनी में, यहाँ पर अच्छी और ताज़ा मछली मिलती है और रेट भी बहुत मुनासिब है, रेट भी इनके कम होते हैं, मुनासिब रेट होते हैं, अच्छे रेट होते हैं, तो लिहाजा ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, तो चलते हैं फिर अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, तो वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे, और फेसबुक को फॉलो करना मस्त है। चलते हैं व्यूअर्स, आगाज़ करते हैं अपनी इस वीडियो का, और अब हम जा रहे हैं मूसा कॉलोनी की इस गली में जहाँ पर मछलियाँ मिलती हैं, तो दोस्तों अंदर आते ही हमें जो है यहाँ पर मछली की पहली दुकान मिली है, तो आइए इनसे कुछ मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन भाई, जरा शॉप का नाम बताएंगे? हुसैन फिश मार्ट। हुसैन फिश मार्ट, तो जरा आपके पास कौन कौन सी मछलियाँ उसके बारे में बताएं, खारे पानी की मछलियाँ होती है मीठे पानी की? होती तो दोनों ही है, मगर हम ज्यादातर मीठे पानी के रखते, मीठे पानी के नहीं रखते, समंदर ही रखते। अच्छा, तो इनमें एक कांटा होता है, जरा बताएं, जरा पानी की मछली के बारे में बताएं, इनके रेट भी बताएं, इनके नाम भी बताते जाइएगा। ये देखिए भी, दहिया है, दहिया है, हाँ ये दहिया है, ये एक कांटे का है, एक कांटे का जी, ये 300 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो है, ये सुरमई, ये किंग फिश, ये किंग फिश है। अच्छा, किंग फिश जी, सुरमई, ये छोटी साइज है, ये 700 ग्राम 600 ग्राम के दाने है, ये 500 रुपए किलो है, 500 रुपए किलो है, ये खग्गा है, खग्गा की सालन के लिए बहुत बेहतरीन है, खग्गे का ये पहचान है, छिलके नहीं होते, छिलका नहीं होता, हाँ तीन कांटे होते हैं, एक दो तीन और मूछे होते हैं, मूछे होते हैं वटेरा, और कुन बताए, कुन ये रहा कुक्कड़ है, ये कुक्कड़ है, हाँ इसको बोलते हैं पानी की देसी मुर्गी, पानी की देसी मुर्गी, इसकी क्या वजह है देसी मुर्गी को कहा जाता है? सालन जब पकता है ना, तो जब बंदा खाता है वो खुद बोलता है कि ये देसी मुर्गी की तरह लग रहा है, तो इसका जायका बहुत आलीशान है, और ये ब्लैक कुंद है, ब्लैक कुंद है, ये जरा देखिए, क्या ये वीआईपी चीज है, बहुत चलती है, ये 450 रुपए किलो है, फ्रेश एकदम फ्रेश बोलते हैं ना, वो चीज है ये। अच्छा, इसमें का जैसे कि लॉन्च वाले ले लेंगे वो 400 350 में मिल जाता है मैक्सिमम। ठीक है, ये मछली है, इनमें ताजा ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ये देखा जाता है जी। जितना ग्रेड नीचे उतरेगा तो समझ लो कि माल उतना कम रेट में मिलते रहेगा, और जितना ऊपर ग्रेड जाएगा तो समझ लो कि वो उतना महंगा होते रहेगा। हाँ, मछली ये 19-20 हो जाए तो खा नहीं सकता बंदा, बात ये है ना, और बंदा 50 ऊपर देके ले जाएगा ना तो उसको पता चलेगा यार नहीं यार कोई चीज दे रहा है, बात ये होता है। बराबर में कौन सी मछली है? ये थारम है। थारम है, थारम की क्या पहचान होती है, जरा बताएं। थारम का पहचान ये होता है, देखिए एक तो ये होता है पीले शेड का होता है, ये पीले शेड आ रहा है ना जी, ये ताजे का पहचान है, और इसके जो ना बड़े डॉट होंगे, बड़े बड़े डॉट, बड़े ठीक है ना, ग्रे डार्क ग्रे कलर के डॉट है, हाँ ये देखे ना, इसमें वादे हो रहे हैं जी, जी बिल्कुल वादे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये थारम है, ठीक है ना, इसको लोग सुरमई बोल के बेचते हैं, साइकिल वाले, हाँ साइकिल वाले रेडी वाले सारे सुरमई बोल के बेचते हैं, मगर हम लोग थारम बोल के बेचते हैं। अच्छा, ये जो पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये कौन सा मछली है? ये सोल है, सोल है, हाँ ये मीठे पानी की होती है, कांटा एक होता है, ये फिंगर भी बनता है, इसके सिलाई भी बनता है, ठीक है ना, और ये सालन के लिए और फ्राई के लिए बेस्ट मछली है, इसके खाल उतर जाता है, अगर आप खाल उतारना चाहे खाल उतर जाएगा, आप सिलाई छिलके के साथ बनाना है जैसे कि छिलके उतार के बनाना है तो वो भी बन जाता है,
अगर आपको फ्राई करना है तो खाल उतरवाइए, अगर आपको सालन बनाना है तो इसके छिलके उतार के फिर बना ले। ये क्या किलो है? ये 600 रुपए किलो है। अच्छा, खारे पानी का मछली ज्यादा जायके में होता है या मीठे पानी का? देखो जायके के हिसाब से जो ना खारा पानी की मछली है, जिनने बेताब बाचा है खारा पानी में दिया हुआ है। मीठे पानी की मछली जो वाइट पल्ला है ना, उस जैसा कोई मछली नहीं है पूरा पाकिस्तान के अंदर, उस जैसा मछली नहीं है पल्ला मछली। हालांकि उसमें इतने कांटे होते हैं ना कि इंसान के सर में बाल नहीं है, इतने कांटे कांटे होते हैं, बहुत कांटे होते हैं, मगर जायका जितने कांटे नहीं उससे ज्यादा जायका है। नाम क्या बताया? पल्ला। पल्ला तो क्या किलो मिलते हैं पल्ला? पल्ला जैसे कि अभी तो है ही नहीं, अब ऑफ सीजन है, जैसे कि आम का सीजन होता है उसी दौरान वो निकल आ जाता है। सीजन वाला मटेरियल है? सीजन वाला मटेरियल सिर्फ हद से 3 से 2.5 महीना, 3 महीना, 3.5 महीना मिलेगा ये। उसके बाद आगे और भी मछलियाँ रखी हुई है, इनके बारे में जरा बता दें। इसके बारे में ये ईरानी पापलेट है। ये ईरानी पापलेट क्या सामान, ये किससे आ गई भाई, ये बॉर्डर किससे कैसे करो ईरानी पापलेट? इसको पासपोर्ट वीजा लाई? हाँ, ये बिना पासपोर्ट कुदरती का है। अच्छा, ठीक है, कि खाल उतरता है वाइट हो जाता है एकदम वाइट, वाइट पापलेट की तरह। ये एसी उतर जाता है खाल, ये पूरा उतरेगा। ईरानी पापलेट है? ईरानी पापलेट, इसको चप्पल, इसको चप्पल भी बोलते हैं, चप्पल भी। देख ले, माल एकदम फ्रेश माल है। अच्छा, इसका फेस दिखाइएगा जरा। फेस क्या काटा हुआ है? नहीं, इसमें ये पूरा पैक हुआ हुआ है। इसके ऊपर ये गीट है, समझ लीजिए, ये पूरा खाल उतरेगा एकदम वाइट हो जाएगा। ये क्या किलो है? ये अभी 1000 रुपए चल रहा है। 1000 रुपए किलो, क्यों अभी शॉर्ट है ना, माल नहीं आ रहा है। तो बहुत शुक्रिया मतीन भाई आपका कि आपने हमें टाइम दिया। तो चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और भी दुकानों से पता करते हैं उनके पास कौन कौन सी मछलियाँ और कितने की है। आ जाए फिर, आगे आ जाए। तो व्यूअर्स सब हमारे साथ मौजूद है एक भाई, तो आइए उनसे मालूमात करते हैं कि इनके पास कौन कौन सी मछलियाँ हैं और इनकी शॉप कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई, सबसे पहले तो आप अपनी शॉप के लोकेशन बताएं जरा सही तरीके से। लोकेशन ये मुसाकाली है, करीमाबाद और देहरादून के बीच में पड़ता है हमारे जरा। हमारे व्यूअर्स को दिखाएं आपके पास कौन कौन सी मछलियाँ हैं, रेट भी बताते जाइए। बहुत सारे इस्लाम के मछलियाँ हैं हमारे पास। ये देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं काला खून की तरफ। ये काला खून है? ये काला खून है, माशाल्लाह बेहतरीन, इसकी आँखों की चमक। और ये माशाल्लाह मछली की। अच्छा, व्हाइट खून भी होता है? काले खून और व्हाइट खून में क्या फर्क है? दुम का फर्क होगा ये काले खून। हाँ, काले खून का जो है ये देखिए, काले कलर का दुम है और व्हाइट खून भी दिखाऊंगा मैं आपको, वो आपको बिल्कुल ग्रीन कलर का दूंगा, होगा गोल्डन शाइनिंग मारे के दिखाता हूं मैं आपको। व्हाइट खून दिखाइए जरा, ये देखिए, ये व्हाइट खून है, व्हाइट खून है हमारे पास। और ये ब्लैक, ये व्हाइट है, ये देखिए, वाजे नजर आ रही है भाई का, दुम में फर्क होता है। हां, दुम में फर्क होगा, ऊपर से शक्ल तो एक जैसी होंगी। और इनके ताजी और बासी की क्या पहचान होगी? इस दुम में आंखें चमकती हुई होंगी माशाल्लाह जी। और ये गलफड़े इसके लाल होंगे बिल्कुल। अच्छा, अगर बासी होगी तो गलफड़ों का कलर तो चेंज भी हो जाएगा। दूसरी बात, लेसपन नहीं होगा इसके अंदर, लेसपन नहीं होगा। हाँ, ये लेसपन है, ये समझिए कुदरती लेस है। और दूसरी बात ये कि आंखों की चमक होगी माशाल्लाह बेहतरीन, वरना तो आंखों के ऊपर पर्दा आ जाएगा जी, आंखें नजर नहीं आएंगी। पुराने और ताजी की ये पहचान। और इसके अलावा, और इसके अलावा भी माशाल्लाह हमारे पास एक से एक मछलियाँ हैं। ये देखे, ये रामस है। रामस है? ये रामस है, एक नंबर इंडियन सैल्मन के नाम से बिकता है ये, और बहुत अच्छी मछली है। रामस की पहचान जो असल है वो ये दाढ़ी होती है, ये दाढ़ी किसी मछली में नहीं है, कुदरती अमल है। अच्छा, हाँ, ये दाढ़ी जो है रामस की, रामस ये पहचान है, रामस की पहचान ये है, ओरिजिनल रामस की पहचान इसकी, ये दाढ़ी होगी, दाढ़ी होती है। हाँ, ये दाढ़ी होगी, ये किसी मछली में नहीं है, ये पर तो हर मछली में पाया जाएगा, ये पर पाया जाएगा, लेकिन ये अलग से जो 6-7 दाढ़ियाँ गिनती के ये नजर, ये आपके सिर्फ सैल्मन में, रामस में। हाँ, रामस की मछलियों में मोल भी होता है? बिल्कुल है, मुल्ला भी है हमारे पास, मुल्ला भी। हाँ, मुल्ला भी दिखाएंगे। अच्छा, ये रामस क्या किलो है? रामस के रेट अभी चल रही है वाले 550 के। क्या रेट है? और कुन के आपको काले वाले का बताइए, 400 रुपए किलो काला कुन चल रहे हैं, और आपके व्हाइट कुन चल रहे हैं अभी, व्हाइट कुन के रेट 750 दैया है हमारे पास, ये भी एक काटे की मछली। हाँ, दैया की क्या? ये एक काटे की मछली है भैया, इसी काले कलर का होता है, और एक काटे की होती है फ्राई के लिए, बहुत बेहतरीन होती है, वरना इसमें समुद्री भी आती है पीले पर वाली, उसके पर पीले होंगे, इसमें काले हैं। अच्छा, हाँ, समुद्री के जो होंगे उसके पीले पर होंगे, सही ना। ये समय मीठे पानी और ये खारा पानी, समुद्र मिक्स पानी की मछली है, दही के नाम से बिकता है, और एक आटे की फ्राई के हिसाब से, ग्रिल के हिसाब से बहुत अच्छी मछली है।
इसके रेट भी चल रहे 300 रुपए किलो। अच्छा आपके पास अभी मिक्स पानी की मछली है? नहीं, नहीं, ये समुद्री है, ये एक ही मछली ऐसी है जो मिक्स है, बाकी सारी समुद्री मछली है। सारी समुद्री मछली है। ये समुद्री हीरा है हमारे पास, ये हीरा मछली है, ये हीरा है, ये जायके में किस्म, हाँ ये भी बहुत अच्छी होती है, काटे की मछली है, ग्रिल के लिए, फ्राई के लिए, ये भी बहुत अच्छी है, हाँ बेहतरीन। और ये व्हाइट पापलेट है हमारे पास माशाल्लाह, व्हाइट पापलेट, हाँ व्हाइट पापलेट 1 किलो में 6 दाने चाहते हैं, अभी इसके रेट 1 किलो चल रहे हैं, और अभी इसके रेट है तकरीबन भाईजान कम से कम 1200 रुपए किलो, इसके रेट 1 किलो में 1200 रुपए किलो। ये एक नंबर पापलेट है, उनमें पापलेट देखिए बहुत किस्म के हैं, 3-4 किस्म का पापलेट आते हैं, वो अपने इसके यानी कि चीज़ के ऊपर है, अगर चीज़ पुरानी तो उसका रेट नहीं है, मंडी में भी 2-3 किस्म के माल मिलते हैं, एक रेट का माल है माशाल्लाह से बेहतरीन माल है, 1 किलो में 6 दाने वाले। उसके अलावा ये मीठे पानी का रोहू है हमारे पास, रोहू, हाँ इसको कतला रोहू बोलते, थैला रोहू भी बोलते, बेहतरीन है मछली, बहुत ताज़ी है, फ्रेश माल है, ताज़ा और फ्रेश माल है बिल्कुल। ये इसमें थोड़े बहुत होते हैं कांटे, मोटे मोटे हड्डी होते हैं इसके अंदर तकरीबन, और तकरीबन इसका वजन नहीं भी होगा, अभी 4.5-5 किलो के दाने हैं, 4.5-5 किलो के दाने हैं, दरिया का माल है बेहतरीन, और इसके रेट अभी चल रहे हैं 550 रुपए किलो, 500 भाई हैं इसके रेट, 550 रुपए किलो, हाँ आगे आ जाते हैं, ये आ जाएं, ये दुल्हन है, दुल्हन मौलवी, ये हीरे के नाम से बिकता है, इसका नाम है, असल नाम है इसका दुल्हन, दुल्हन जी, और बहुत खूबसूरत मछली है, जैसे खूबसूरत है वैसे इसका जायका भी है, और नाम भी माशाल्लाह दुल्हन है, हर चीज ही खूबसूरत है और जायका बहुत अच्छा है इसका, एक कांटे की मछली है, ये सिर्फ सर्दियों में आती है, सर्दियों में आती है, सिर्फ सर्दियों में आती है, देखिए माशाल्लाह मछली की चमक, ये सिर्फ सर्दियों में आती है माशाल्लाह से, 2-2.5 महीने के लिए, 2-2.5 महीने के लिए, और उसके बाद ये समुद्र तक आए, ये सीजन की मछलियाँ होती है, और एक कांटे की बेहतरीन सालन, फ्राई, ग्रिल कुछ भी करें आप, ये है मुल्ला, मुल्ला जो आप मुल्ला ढूंढ रहे थे, ये मुल्ला है, ये निकाह भी करवा देता है, मतलब निकाह के अंदर, मतलब शादी ब्याह के अंदर इसके भी स्लाइस चलते हैं, वो दुल्हन चलते हैं, दुल्हन दिख गई ना हमें, ये दुल्हन ऐसी बात है, दुल्हन दिख गई, दुल्हा भी है हमारे पास, वो भी दिखा देंगे, मुल्ला क्या है, ये मुल्ला, ये मुल्ला के रेट भी इस टाइम पे चल रहे हैं फाइनल, इसके 650 रुपए, 650 जी, 700-800 मांग लेते हैं, 650 उसके फाइनल रेट। और ये आ गए आपके गिस्सर, ये पोजे गिस्सर, एक नंबर गिस्सर, इसमें भी 3-4 नस्ल के आते हैं, एक चुन्नी गिस्सर आती है, एक डामा गिस्सर आता है, और एक ये फौजी गिस्सर, फौजी गिस्सर के, फौजी गिस्सर की पहचान इसकी डॉट डॉट होगी, इसके हल्के हल्के देख रहे हैं आप, जी जी, किसी किसी में काले डॉट होंगे, किसी में ब्राउन डॉट होंगे, ये गिस्सर की पहचान, और गिस्सर सबसे बेहतरीन की अभी जो है इसके बिरयानी बना रहे, और गिस्सर सालन में बहुत बेहतरीन, सालन के हिसाब से, यानी कि समुंदरी, यानी कि इसको आप पाया गले, पाया का सालन जैसे गाढ़ा गाढ़ा बनता है, ऐसी गाढ़े गाढ़े बनते हैं, इसका शोरबा बहुत अच्छा बनता है इसका। अच्छा वैसे आप किस तरह मछली खाना पसंद करते हैं? ग्रिल या हम ज्यादातर हमारे घर में ज्यादातर सालन, सालन 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 बहुत ज्यादा बनता है, उसके अलावा फ्राई भी बन जाती है, सालन अमूमन ज्यादा बनता है। सालन वाली में और फ्राई वाली में क्या फर्क ये है? सालन में देखें जायका भी है, ताकत भी, उसका जो शोरबा निकलता है शोरबे के अंदर ताकत होता है, सालन के अंदर ताकत भी मिलेगा, जायका भी मिलेगा, और सिर्फ फ्राई के लिए चाहे तो फ्राई ग्रिल के अंदर ये होता है मूवन, जैसे कि आप अगर आप ग्रिल कर रहे हैं तो ग्रिल में भी फायदा है, फ्राई लेकिन फायदा है ज्यादातर फायदा सालन में, सालन में ज्यादा फायदा, सालन में कुकड़ है, ये कुकड़ भी माशाल्लाह सालन के हिसाब से बहुत अच्छी है, गिस्सर और कुकड़ सालन में बहुत बेहतरीन, लोग इसके भाई बिरयानी भी बनाते हैं, जो बड़े दाने आते हैं 2.5 किलो के 3 किलो के दाने होते हैं बिरयानी बनाते हैं बड़े शौक से, और बहुत बेहतरीन है, यानी कि समुंदरी देसी मुर्गी है, ये समुंदरी देसी मुर्गी है जी, कुकड़। अच्छा इसका लोग फिंगर भी बनाना बहुत पसंद करते हैं, फिंगर इसके गोश्त एवरेज, वैसे गोश्त का एवरेज बहुत कम निकलता है, लेकिन जायके के बार तो लोग इसके फिंगर भी बनवा लेते हैं, और एक कांटे की मछली है, फिंगर बनवाए स्लाइस बनाए एक ही बात, एक कांटे की मछली होती है, और उसके अलावा हमारे पास ये है सिंगाड़ा, सिंगाड़ा ये सिंगाड़ा, सिंगाड़ा ये 3 मछलियाँ जो मैंने अभी आपको लगातार दिखाई है, गिस्सर, कुकड़ और ये सिंगाड़ा, यानी कि सालन के ऊपर सबसे, ये तीनों सबसे बेस्ट, सालन में तीनों बेस्ट है, क्योंकि ये तीनों में ऐसा सालन बनता है जैसे आप पाया खा रहे हैं। सिंगाड़ा की जरा पहचान बताइए, सिंगाड़ा इसका सिंग होगा, सिंगाड़ा शार्क मछली की तरह शक्ल होगा इसका, ये सिंगाड़ा है, इसके आगे की तरफ सिंग निकले हैं, इसको बाहर मार्केटों में सुरमई बनाकर बेचते हैं, इसका सर काट देते हैं यहाँ से, अच्छा पर काट देते और सुरमई के रेट से सुरमई बोलकर बेचते, किलो किलो के हिसाब से काट करके बेचते, बड़े बड़े दाने 4-5 किलो के दाने सर काट के सुरमई बोलकर बेचते, और सुरमई भी दिखाऊं मैं आपको, इसके रेट चल रहे हैं अभी सिंगाड़े के 300 रुपये, 350 रुपये। ये कौन है हमारे पास? वाइट कुन, ये वाइट कुन बेहतरीन, वाइट कुन एक कांटे की मछली होती है,
और इसके फिंगर भी बड़े शौक से बनाते हैं लोग, बिरयानी भी बनती है, कढ़ाई कौरमा वगैरह सब भी बनाते हैं। कांटे की मछली है, ये भी बहुत अच्छी होती है वाइट कलर जी। इस बार सबसे बड़ी मछली आपके भाई हाँ, यही है। ये भी है, साफी भी है, वो भी दिखा साफी जी। ये है अमर जैक, ये है अंबर जैक, अंबर जैक, ये अंबर जैक है, ये भी बहुत अच्छी है। अभी सीजन की मछली है, सर्दियों में आती है, सर्दियों आला रामस के नाम से बिकता है ये मार्केटों में, लेकिन जायका बहुत अच्छा है। इसके फिंगर भी बनते हैं, सलाद भी बनते हैं, बिरयानी भी बनते हैं, बेहतरीन माशाल्लाह से इसका जायका बहुत अच्छा है। इसकी आंखों की चमक बताएगी मैं कितनी ताज़ी है। अच्छा ये क्या किलो है? अभी इसके रेट चल रहे हैं, देखिए पहले तो भी अभी ठंड से पहले थोड़ा रेट कम थे जी जी, अभी ठंड के द्वार से थोड़ा दिसंबर आ रहा है जी, इसके हिसाब से अभी इसके सामने किलो के अंदर 150 से 200 रुपए का फर्क आया, जो यानी कि अच्छी मछली है। यानी कि हाँ। अभी दिसंबर और मजीद सर्दी आती जाएगी तो रेट ऊपर होता ही आएगा। हाँ ऐसी है, लेकिन लाजमी नहीं है कि सर्दी के अंदर रेट बढ़ते हैं। अच्छा ये है कि हमारे जब मंडी के अंदर माल शॉर्ट होता है, रेट बढ़ता है। मंडी में माल कम आता है, माल के ऊपर बात, माल कम आएगा तो रेट उनके चढ़े हुए होंगे थोड़े। उसके अलावा ये हमारे पास किंग फिश। कौन सी किंग? किंग फिश सुरमई। सुरमई ये है, सुरमई हमारे पास बेहतरीन। सुरमई की क्या पहचान? सुरमई की पहचान तो माशाल्लाह ये देखिए, वो उसमें सिंगाड़े में कांटे आपको दिखाए थे मैंने, और ये सुरमई जो है माशाल्लाह देख रहे हैं, ये है सुरमई, ये कांटे की मछली है, बेहतरीन पूरा वर्ल्ड में माना जाता है। सुरमई फर्स्ट नंबर पे आता है, किंग फिश कहते हैं। किंग फिश के नाम अभी हाँ अभी जो है इसके रेट तकरीबन 1200 रुपए किलो, कम से कम 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो। और अभी एक अंदर ये ठंड आ जाए, ठंड के अंदर पिछले सीजन के अंदर ये 1800 और 2200 रुपए, 1800 और 2200 रुपए पिछले सीजन में गया था। अभी उसके हिसाब से अभी बहुत रेट कम है, यानी हाँ बहुत कम है उसके हिसाब से। अच्छा यहाँ पर अगर कोई आता है फिश लेने तो उससे बार्गेनिंग वगैरह होती है? आराम से और फ्राई के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। तो जैसे आपको शौक, आप कुछ भी बनाना चाहिए, कांटे की मछली होती है और जायके वाली होती है मछली, जितना ताज़ा खाएंगे उतना उसमें जायका, इंशाल्लाह ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा ही खिलाएंगे इंशाल्लाह। 12 महीने की दुकानदारी है हमारी, कोई छुट्टी नहीं है, सिर्फ कुर्बानी की 10 दिन छुट्टी होती है, उसके अलावा भाई ज़्यादातर काम करे जाओ, काम करे जाओ। अच्छा कोई अगर घर बैठ के मंगाना चाहे, होम डिलीवरी भी है हमारी, ये होम डिलीवरी नंबर है हमारा ही, हाँ ये जैश कैश है और नीचे वाला होम डिलीवरी में चल रहा है इजी पैसा, इजी पैसा वाला नंबर भी दोहरा दे जी जी, ये इजी पैसा मुझे 0323-265-3469 ये हमारा समोलो इजी पैसा है, इसके अंदर इजी पैसा भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप में भी काम चल रहा है हमारे इस नंबर पर, कैश ऑन डिलीवरी और कैश डिलीवरी सब, इतना बैंक अकाउंट भी है, आप घर बैठे पैसे भिजवा सकते हैं और हमारे बंदे यहाँ से आए घर पे आप होम डिलीवरी माल भी पहुँचा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ झींगे भी रखे हुए इसके बारे में, हमारे पास झींगा है, ये कम से कम 1 किलो में नहीं भी हो 40 से 45 दाने चढ़ेंगे, ये जेरा झींगा, जेरा इसका नाम है, जेरा झींगा, जेरा फर्स्ट नंबर पे आता है जेरा, क्योंकि जेरे के अंदर भी झींगे के अंदर भी 6-7 नस्ल आते हैं, तो इसमें यानी कि करली, पटास, टाइगर, लबस्टार, सही ना, तो उसके अंदर गोश्त कम निकलते हैं उन सब में। ये जेरा मछली ऐसा है फर्स्ट नंबर पे आता है, इसमें गोश्त बहुत ज़्यादा निकलता है, यानी कि 1 किलो लेंगे 600 ग्राम गोश्त निकलेगा इसमें सफाई के बाद। अच्छा कुछ लोगों का इसमें ये कंफ्यूज रहते हैं, कोई कहता है ये हराम है, कोई कहता है मकरूह है, हराम तो आज तक हाँ हराम तो हराम तो किसी उलमा इकराम ने अभी तक इसको हराम का फतवा नहीं दिया, दिया तो मकरूह का दिया जी, सही ना। और कोई कहते हैं कि मोबाइल, यानी कि दिल चाह रहा है तो खाएं, नहीं दिल चाह रहा कोई बात नहीं, यानी कि गुना नहीं है, गुना नहीं है, गुना नहीं, जिस तरह अंडे, अंडे के अंदर भी खून नहीं होता सही ना, वो भी कोई कहते हैं कि खाएं, कोई कहता नहीं खाएं, तो इसमें भी ऐसे गुना नहीं है, आप खा सकते हैं, दिल चाह रहा खाएं, नहीं दिल चाह रहा कोई बात नहीं, खाएं आप मछली ले, और भी बहुत सारे अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई है खाने पीने की। और इसमें हमारे पास साइज छोटा भी है, तो उसके रेट साइज के हिसाब से होता है, साइज के हिसाब से, हाँ साइज के हिसाब से। अभी 1 किलो में हमारे पास जो जंबो साइज जो है, जंबो साइज के रेट अभी चल रहे हैं इस टाइम पे 1800 रुपए किलो चल रहे हैं, यानी कि 1 किलो में 20 से 22 आने वाले हैं। और ये जो आपको दिखाया अभी मैंने बड़े वाले, ये तकरीबन आपको ने भी है, आपको मैंने बताया इसके रेट चल रहे हैं 1400 रुपए, 1400 रुपए। और ये वाले साइज है हमारे पास, ये 1 किलो में 50 से 55 दाने चढ़ेंगे, ये वाइट जेरा है, जितने साइज छोटे होंगे उतने रेट थोड़े कम होते जाएंगे। इसके साइज ये चल रहे हैं अभी 1200 रुपए किलो, और ये चल रहे हैं अभी 900 रुपए किलो, और वो वाले छोटे साइज है हमारे पास, बिल्कुल ताज़ा झींगा है, और ताज़े की पहचान इसकी वाइट पन से होगी, वाइट पन से ये वाइट हो रही है, भी सब वाइट हो रही है। अगर मैं आपको छील कर दिखाऊं तो इसके गोश्त अंदर से और वाइट है, यानी कि पानी जैसा कलर, ताज़े की पहचान होगी तो ये पानी जैसा कलर होगा, और अगर ये समझ लो बासी हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, तो ये पीले कलर में आ जाएगा, या लाल हो जाएगा या पीला हो जाएगा, तो वो प्राणी की पहचान है, ताज़ी की पहचान इसके वाइट पन, सब झींगे वाइट है हमारे पास, वो भी वाइट है। ये है जेरा,
इसमें गोश्त के बैचेस ज़्यादा निकलते हैं और ज़्यादातर मेरे ख्याल से मैं ये कहता हूँ कि आप जेरा खाएँ, करली पटास टाइगर वगैरह जो आता है इसमें दूसरे नस्ले वो मत खाएँ, उसमें गोश्त बहुत कम निकलता है। यानी कि एक किलो लेंगे 400 ग्राम गोश्त निकलेगा, ये एक किलो लेंगे 600 ग्राम गोश्त निकलेगा, यानी कि 200 ग्राम मजे ज़्यादा। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ है, जेरा खाया करें कहीं से मिले जेरा। अच्छा, और मछली वाहिद ऐसी जानदार चीज़ है कि ये बगैर हलाल करे भी खाई जा सकती है। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हमारी नेमत है, हमें मिली है और दुनिया में हर जगह मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है जी। जबरदस्त। कुरान में इसका जिक्र भी है। जी जी जी। तरिया। हाँ वो जी बिल्कुल है, ताज़ा गोश्त के लिए हमने आपको दिया जी। जबरदस्त। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें बिल्कुल ताज़ी और अच्छी मिल जाती है समंदर में, ये चीज़ जी जी। लेकिन अगर समंदर के मीठे पानी में तो लोगों ने फार्म भी बनाया हुआ है आजकल जी जी, तो लिहाजा समंदरी मछली खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, सेहत के लिए ताकत के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, आप वहाँ पे कुछ दिखा रहे थे, कोई मछली की दिखा रहे थे? मैं मछली दिखा रहा था आपको, बड़े वाले। ये देखो, ये दंदिया में आपको बता रहा था, ये दंदिया के पीले पर है समंदरी मछली में, ये पीले पर होंगे, ये इसकी पहचान है समंदरी दंदिया, पीले पर होंगे। ऐसे कम से कम 3 पाव किलो के दाने हैं, इसके रेट चल रहे हैं 600 रुपये किलो। 600 जी। पापलेट आपको दिखाया था मैंने, और उसके अलावा भी माई माशाल्लाह बहुत मछलियाँ आती है। अभी सर सीज़न है, अपने सीज़न की मछलियाँ यानी कि दिसंबर के अंदर, दिसंबर में फिर वो अपना डाटी का भी है, डाटी भी आएगी, ईरानी पापलेट आएगी है ना, और उसके अलावा धोतर आएगी, ये सारे सीज़न की मछलियाँ, कुकड़ वगैरह तो आ गई है अभी, तो 3-4 मछलियाँ और हैं वो भी आएंगी इंशाल्लाह, कोबरा आएगी, ये सारे सीज़न की मछलियाँ। अच्छा, ये सारी मछलियाँ जो आती है, शार्क वगैरह आती है? शार्क वगैरह भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम लोग लाते नहीं है क्योंकि उसमें फतवा है, उसमें है क्योंकि शार्क नहीं खा सकते, शार्क बच्चे देती है, जो मछली अंडे देती है जी जी, वो खाने वो खाते, और जो बच्चे देती है डायरेक्ट वो नहीं खा सकते यहाँ से। यानी कि उनमें इकराम ने बड़े सोच समझ के थोड़ा सा एक वो रखा है कि भाई बच्चे देने वाले जो जानवर है और इसमें समंदर में मछलियाँ जो हैं, तो वो मतलब मछलियाँ जो हैं बच्चे देने वाली, वो मतलब ये कि नहीं खा सकते। यानी कि जैसे शार्क बच्चे देती है, मंगरा बच्चे देती है, पिट्टन बच्चे देती है, अंडे नहीं देती, तो इसी का गोश्त खाना मना है। बाकी तो बाजार में हर आइटम बिकते हैं, हर काट काट के लाकर भेज देते हैं, फिंगर बनाकर भेज देते हैं, वो 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो। ये पिट्टन होता है, पिट्टन का गोश्त खाने का नहीं होता, समुद्री चमगादड़ है, समुद्री चील कौम है, इसको आप कह लो समुद्री चील कौम है। पिट्टन हो गई, मंगरा हो गई, और पिट्टन हो गई, मंगरा हो गई, शार्क हो गई, ये समुद्री चील कौम है। यानी कि इसको खाने और भी बहुत सारे शाम की मछलियाँ हैं, ये खाएँ आप, कौन है, हीरा है, मुश्का है, धोतर है, डांगरी है, डाटी है, वाइट कौन है, बहुत सारे मीठे पानी के समुद्री अल्लाह ताला ने बनाया वो खाएं। तैयार फिंगर मत खाएं, अगर आपको फिंगर ही खाना है थोड़ा पैसे मजीद बढ़ा करके 100-150-200 रुपये बढ़ा करके अपने आँखों के सामने मछली बनवाएं कटवाएं वो खाएं, ताकि दिल मुतमैन रहे जी। और आप यहाँ पर आके भाई मछली बनवा भी सकते, बिल्कुल आप शिकार के मछलियाँ आप लाएं, दुकान से खरीद के ले आए तो इंशाल्लाह आप मछली भी बना कर भी देंगे, साफ करके बिल्कुल, फिर आपने धोना है और पकाना है बस, कैसे साफ करके देंगे। अच्छा, जो अगर खुद से खरीद दूसरी जगह से खरीद के लाता है, शिकार से लाता है, तो उसकी कटाई के क्या चार्जेस हैं? कटाई के चार्जेस कम है, किलो के हिसाब में भी अगर लेते हैं तो 20-30 रुपये किलो, वरना तो समझ लो खुशी से भी बंदे देकर चले आते हैं, चलो यार जब मैंने 5-6 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्चा किया शिकार पे, तो इनको यार 100-500 देने में कोई हर्ज नहीं, तो उस हिसाब से बंदे दे देते खुशी से चाय पी लें। नाम माशा आरिफ मेरा नाम है, और आरिफ आरिफ भाई जरा एक दफा अपना और ऑनलाइन का नंबर बता देंगे। ये हमारे ऑनलाइन है, ऑनलाइन का नंबर जो हमारा ये देखिए, एक तो है जेस कैश का है 0307-920-5064, ये जेस का है, और उसके अलावा इजी पैसे में जो है 0323-265-3469, ठीक है, ये हमारे तुम्हारे ऑनलाइन इसमें काम चल रहा है, और व्हाट्सअप चल रहा है, होम डिलीवरी इसी में चल रहा है। और यहाँ की लोकेशन एक दफा, लोकेशन ये देखिए, अगर करीमाबाद से अगर आप आएँगे जियाउद्दीन की तरफ, तो आपको सीधे हाथ में एक मोटी यानी कि बहुत चौड़ी गली होगी, वहाँ पर जो एक कॉलेज है सिटी कॉलेज वाली गली के, यानी कि सीधा करीमाबाद से आएंगे तो सीधे हाथ में सिटी कॉलेज वाले गली में आप आएंगे, तो उसके में समझ लो अंदर ही आएंगे तो किसी से मालूम करिएगा, मछली मार्केट वो आपको बता देगा। और ज़ियादुन के साइड से आएंगे तो ज़ियादुन के साइड से एक उल्टे हाथ में आपको पड़ेगा, सही ना, सिटी कॉलेज उल्टे हाथ में पड़ेगा, तो सिटी कॉलेज वाली मेन गली है, यहाँ पर मार्केट है, और यहाँ पर आगे किसी से भी पूछ लें, रोड बैंक चले ज़ियादुन या करीमाबाद में किसी से भी पूछ लें, वो आपको मुझसे गाली का एड्रेस आराम से दे देंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, आपका नाम? टाइम दिया। मेरा नाम शुएब है, शुएब भाई जी, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कराची विद शुएब ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जिंदगी रही तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फेसबुक को फॉलो करना मस्त है।